हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को एक स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल वाइल्ड फिश क्लासेस पे। सबसे जरूरी बात, सुबह सुबह आपको एक सरप्राइज देते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। तो आज सबसे बड़ी बात यही है कि आपको एक गुड न्यूज देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डिमांड था कि सर यूपीएससी पे वीडियो बनाइए, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स यदि किसी का ड्रीम है आईएएस आईएएस या आईपीएस बनना है, यदि आपको डीसी एसडीएम बनना है तो उसके लिए क्या प्रोसीड्योर होता है। तो स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए मैंने उस वीडियो पे काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द आशा कीजिए कि वो वीडियो आप तक पहुंचने वाला है। तो देन ये बताते हुए आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि उस वीडियो पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है लेकिन हर वो मेहनत करेंगे आपके लिए, बिकॉज आप सभी कोई मेरा हर सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं प्रयास करूँगा हर एक सब्सक्राइबर के जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो सके सबके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो चलिए, ये बताना था आपको। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और बीच बीच में यदि ऐड आता है तो ऐड को थोड़ा देख लेना, उससे हमको फ़ायदा होता है। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिल्कुल रिलैक्स होकर बच्चों बैठना, आज आराम से बैठना। जितना लंबा वीडियो होगा देखना, ज़्यादा लंबा नहीं, एक भी चीज़ एक्स्ट्रा तो होगा नहीं, बट कोशिश करना कि वीडियो को पूरा देखो, सीखो, पक्का सीखोगे आज, प्रॉमिस करते हैं। यदि ध्यान से देखोगे वीडियो को पूरा देखोगे, एक भी जरा सी स्किप नहीं करोगे तो पक्का सीखोगे। ठीक है, और चैनल पे पहले नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, कनेक्ट करना। ठीक है, बाइसिंग का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअली देखो, टाइम के साथ ना सबको अपना ताकत ज़्यादा होना मांगता है, सबको चाहता है कि टाइम के साथ उसका पावर बढ़े। तो पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअली ठीक है, करंट उससे फ्लो होता है लेकिन कभी कभी उतना ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाता है जितना एक्चुअली में हम लोग चाहते हैं। तो उसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल रूप से बाहर से एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं ताकि उसमें पावर मिले और मतलब उसका वैल्यू, उससे पार होने वाला करंट का वैल्यू बढ़े। इसके लिए हम लोग कभी कभी चाहते हैं कि यदि वैल्यू को बढ़ाना है तो भी हम लोग काम कर सकते हैं और घटाना है तो भी काम कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाइसिंग। व्हाट इज बाइसिंग? बाइसिंग का मतलब होता है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? एक पीएन जंक्शन डायोड को एक बैटरी से जोड़ना। ठीक है, एक एनर्जी सोर्स से जोड़ना, पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से जोड़ना, दैट इज कॉल्ड बाइसिंग। तो आज आपको एक छोटा मोटा सा सरप्राइज सा एक टेस्ट छोटा मोटा सा है, 10 सेकंड का, आपसे कुछ पूछेंगे। दो तरह का बाइसिंग होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। मतलब एक तरीके से आप ये सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, दिस इज आवर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक होगा आपका रिवर्स बाइसिंग। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, इसका पूरा वर्किंग बताएंगे। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब पूरा का पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग होता क्या है इसके मद्देनजर मैं आपको बताता हूँ, रिवर्स बाइसिंग पक्का आपसे आपके मुंह से बोलवा देंगे। तो देन वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है ना, देखिए ये आपको है एक पीएन जंक्शन, मान लीजिए ये एक पीएन जंक्शन है, ये पी है और ये एन है। ठीक है, ये पीएन जंक्शन है, और यदि एक पीएन जंक्शन को यदि पी को ऐसे समझो, पी फॉर क्या, पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। तो यदि पी को बैटरी का प्लस से जोड़े और एन को बैटरी का माइनस से जोड़े तो देन दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, पीएन जंक्शन, पी फॉर पॉजिटिव एन फॉर नेगेटिव। तो यदि पी को पी फॉर पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़े और नेगेटिव को यदि नेगेटिव से जोड़े तो देन दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। पी को प्लस से जोड़ना है और एन को माइनस से जोड़ना है, जैसे बैटरी में दो टर्मिनल होता है प्लस माइनस, तो पीएन जंक्शन में भी दो होता है पी और एन। तो यदि पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ा जाएगा तो देन दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। आपसे सवाल है मेरा,
आपसे ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं व्हाट इज रिवर्स बायसिंग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है ना, पीएन जंक्शन का पी को बैटरी का प्लस से और पीएन जंक्शन के एन को बैटरी का माइनस से जोड़ेंगे तो देन दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। तो आप बताइए रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में कैसे जोड़ा जाएगा। और यदि आप ये सीख रहे हैं तो मुझे भरोसा है कि आप जरूर से जरूर बता पाइएगा, और इस भरोसा को कायम रखिए और कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा व्हाट इज रिवर्स बायसिंग। कमेंट करिए, सोचिए पी को प्लस से जोड़े थे मतलब सही सही जोड़ेगा ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग, और उल्टा जोड़ेगा तो रिवर्स बायसिंग। सही सही जोड़ेगा मतलब पी फॉर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब प्लस, और एन फॉर नेगेटिव, तो एन फॉर क्या माइनस, तो P को प्लस से जोड़ो और N को माइनस से जोड़ो। तो P को प्लस और N को माइनस से यदि जोड़ेंगे तो देन दिस इज कॉल्ड आवर फॉरवर्ड बायसिंग। तो मेरा आपसे सवाल है व्हाट इज रिवर्स बायसिंग। बहुत देर आपको टाइम दे दिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर पाए होंगे तो ठीक है। ये देखो मान लो ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ये आपका P है और ये आपका N है, और यहाँ पर यदि P फॉर पॉजिटिव और N फॉर नेगेटिव, तो P को जोड़ना है माइनस से और N फॉर नेगेटिव इसको जोड़ना है प्लस से, ठीक है। तो देन दिस इज कॉल्ड आवर रिवर्स बायसिंग। P को जोड़े हैं माइनस से और N को जोड़े हैं प्लस से, तो देन दिस इज कॉल्ड क्या, रिवर्स बायसिंग। यहाँ पे देखो P को जोड़े हैं प्लस से, P को जोड़े हैं प्लस से और N को जोड़े हैं माइनस से, तो ये कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। और यहाँ पर आप देखिए P को जोड़े हैं माइनस से और N को जोड़े हैं प्लस से। तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं काफी सारा फिगर बनाया है, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में इतना ज्यादा बार आया है, एंड दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो अभी एक्चुअली में हम लोग जानेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड का जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं और जब रिवर्स बायसिंग करते हैं तो एक्चुअली में वो काम कैसे करता है, कि फॉरवर्ड बायसिंग करने से कैसे काम करता है, रिवर्स बायसिंग करने से कैसे काम करता है, या फॉरवर्ड बायसिंग होने से करंट कैसे बढ़ जाता है, रिवर्स बायसिंग में करंट कैसे घट जाता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं। यहाँ पर जो आपको बोर्ड में फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर देखिए इधर फॉरवर्ड बायसिंग का है और इधर का जो आपका फिगर है ये रिवर्स बायसिंग का है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में भी देखिए जब बैटरी नहीं जोड़े थे तब का फोटो है ये, और देखिए बैटरी जोड़ने के बाद, और इसमें भी ये बैटरी जोड़ने से पहले का फोटो, और ये है आपका बैटरी जोड़ने के बाद का फोटो। तो एक्चुअली में जब फॉरवर्ड बायसिंग किया जाता है तब क्या होता है और रिवर्स बायसिंग किया जाता है तब क्या होता है। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग किया जाता है तो जैसा कि हमने आपको बताया है पी फॉर प्लस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को प्लस से और एन फॉर नेगेटिव इसको माइनस से, और रिवर्स बायसिंग में पी फॉर पॉजिटिव ये पी को माइनस से और एन को प्लस से। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायसिंग और ये हो गया रिवर्स बायसिंग। ये जो बीच में दरार दिख रहा है, बीच में जो गैप होता है, उस गैप का कौन सा नाम है जरा से कमेंट बॉक्स में तुरंत से कमेंट करके बताइए। जो पीएन जंक्शन के बीच में जो गैप होता है उस गैप का नाम क्या है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसको बोला जाता है कौन सा पोटेंशियल होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दो चीज हमने आपसे पूछा कि पी टाइप और एन टाइप, पीएन जंक्शन के बीच में जो गैप होता है उस गैप का नाम कौन सा रीजन होता है और ये कौन सा पोटेंशियल होता है। सही आंसर यदि कमेंट किए होंगे तो आंसर होगा डिप्लेशन रीजन, गैप को डिप्लेशन रीजन कहते हैं और वो पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग फिर से इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये है आपका फोटो, ये तब का फोटो है जब बैटरी को कनेक्ट नहीं किया गया था, और ये तब का फोटो है जब बैटरी को कनेक्ट किया गया था। तो आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं, ये बीच का डिप्लेशन रीजन है। एक चीज आप गौर करके देखेंगे, यहाँ पर डिप्लेशन रीजन चौड़ा था लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग करने के बाद ये छोटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर पहले डिप्लेशन रीजन पतला था लेकिन रिवर्स बायसिंग करने के बाद ये डिप्लेशन रीजन काफी बड़ा हो गया। एक्चुअली पता है यही डिप्लेशन रीजन के कारण करंट कम और ज्यादा होता है। इसमें देखिए पतला हो गया तो ज्यादा करंट इधर से इधर जा पाएगा, और इसमें देखिए आगे अगर बड़ा हो गया, ठीक है, चौड़ा हो गया तो पार होने वाला करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब ये एक तरीके से पुल है और उसमें कूद के पार होना है, ठीक है। तो सामने से एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, कि पुल जैसा है,
तो इसमें पुल बहुत छोटा है, यहाँ से आराम से कूद के पार हो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा है, यहाँ से यहाँ जाने में प्रॉब्लम होगा। तो आखिर ये सब क्या होता है पूरा डिटेल में बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है। और देखिए ये क्या बताता है, जैसे ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा संख्या में होल्स मिलता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स। तो होल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो प्लस है और प्लस है, माइनस और माइनस है। आप बताइए सेम चार्ज में क्या होता है और अपोजिट चार्ज में क्या होता है, जरा बताइएगा, सेम चार्ज में क्या होता है और अपोजिट चार्ज में क्या होता है। जैसे ये प्लस और प्लस है तो रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा, कमेंट कमेंट अभी तब कमेंट करो। और माइनस माइनस तो सिमिलर चार्जेज है, इसलिए दोनों साइड से रिपल्सन होगा, और जब दोनों साइड से रिपल्सन होगा तो ये इसको इधर से धकेलेगा और ये इसको इधर से धकेलेगा, ये इसको इधर से धकेलेगा और ये वो उसको उधर से धकेलेगा, ठीक है। तो जब दोनों साइड से धकेलेगा तो ये जो बीच का डिप्लेशन रीजन है, ठीक है, ये कम हो जाएगा, और ये जब छोटा हो जाएगा तो पार होने वाला करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा करंट का वैल्यू बढ़ेगा और यहाँ पर आपका पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल भी घट जाएगा, पहले तो वी नॉट और अब हो जाएगा वी नॉट माइनस वी, और ऐसे कंडीशन में टोटल करंट का वैल्यू हो जाएगा आई बराबर आई एच प्लस आई ई, ठीक है। क्या बोले बच्चों, एक्चुअली जब इसको प्लस होल्स, जो यहाँ पे होल्स है और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, सिमिलर चार्ज होने के कारण दोनों साइड से रिपल्सन होगा, और ये इसको इधर से धकेलेगा और ये इसको इधर से धकेलेगा, तो जब धकेलेगा दोनों साइड से तो बीच का जो डिप्लेशन रीजन है वो पतला हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, और बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, और जब ये करंट फ्लो करेगा तो टोटल करंट हो जाएगा आई बराबर आई एच प्लस आई ई। आई एच का मतलब करंट ड्यू टू होल्स, और आई ई का मतलब, ये ई लिखा हुआ है, आई ई का मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे कंडीशन में आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, आई बोल होता है करंट और वी बोल होता है वोल्टेज, ठीक है। आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मिली एम्पियर और ये है माइक्रो एम्पियर, ठीक है, इस एक्सिस में इधर वोल्टेज शो करेगा, तो ऐसे कंडीशन में करंट बढ़ता है, और जिस पॉइंट के बाद करंट काफी तेजी से बढ़ता है इसको बोला जाता है, ठीक है, नी वोल्टेज, ठीक है, एक पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद काफी तेजी से बढ़ने लगता है, दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज, ठीक है। और वो जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज, और इसका वैल्यू आप देख सकते हैं कि नी वोल्टेज का वैल्यू जर्मेनियम के लिए होता है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये पूरा कहानी था आपका फॉरवर्ड बायसिंग का। फॉरवर्ड बायसिंग में देखिए करंट बढ़ता है, करंट क्यों बढ़ता है बच्चों, बिकॉज दोनों साइड से रिपल्सन होने करंट डिप्लेशन रीजन कम हो जाता है, पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, बैरियर पोटेंशियल घट जाता है, जिसके कारण पार होने वाला करंट का वैल्यू बढ़ता है। तो ये था आपका फॉरवर्ड बायसिंग, और जो बच्चों ने फॉरवर्ड बायसिंग अच्छे से पढ़ा आई थिंक रिवर्स बायसिंग को खुद बखुद समझ सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा है, वो जस्ट उल्टा है। ये कब का फोटो है, जब बैटरी नहीं जुड़ा हुआ था तब का, और यहाँ पर देखिए ये बैटरी जुड़ा हुआ है तब, P को जोड़े हैं माइनस से और N को जोड़े हैं प्लस से। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें मेजोरिटी चार्ज क्लियर, होल्स, होल्स का चार्ज क्या, पॉजिटिव, और N मेजोरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज माइनस, तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट चार्जेज है तो अट्रैक्शन होगा, इसको इधर खींचेगा उसको उधर खींचेगा, तो वो उस समय क्या था ना, छोटा हो रहा था, अभी इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, तो बीच का जो गैप है वो बढ़ने लगेगा, और गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करंट का वैल्यू इतना ज्यादा कम हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, एक तरीके से कहिए कि मिली एम्पियर्स में आएगा, और हम लोग कहेंगे कि डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। एक्चुअली में बैरियर पोटेंशियल भी देखिए बढ़ जा रहा है, बैरियर मतलब क्या, दिक्कत। तो यहाँ पर बैरियर घट रहा था, यहाँ पर देखिए घट रहा था, यहाँ डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पर आपका बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर बैरियर मतलब दिक्कत, पार होने के लिए जो दिक्कत होता है दैट इज कॉल्ड बैरियर। तो यहाँ पर बैरियर कम हुआ था और यहाँ पर बैरियर ज्यादा हो गया, यहाँ पर विड्थ बढ़ गया, तो इतना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, कि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था, और इतना कम करंट फ्लो कर रहा था कि हम लोग कह सकते हैं कि डायोड कंडक्ट नहीं करता है, और वो करंट मिली एम्पियर्स के फॉर्म में ऑलमोस्टली आता है, और यहाँ पर जो करंट बनता है ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में
आपका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बताते हैं, आई का मतलब क्या होता है और वी का मतलब क्या होता है, जो बच्चा ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा जरूर बता देगा टेंथ क्लास से भी। आई भी तुरंत कमेंट करके बताओ, फिजिक्स में आई का मतलब क्या और वी का मतलब क्या, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, तभी ना हम जानेंगे। आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हमने पढ़ा नी वोल्टेज, तो अभी हम लोग आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे रिवर्स बायसिंग का। लेकिन उससे पहले आप हमको बताइए कि आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जहां पे आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है। तो वैसे बच्चों आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो रिवर्स बायसिंग के केस में ये मिली एम्पियर इस एक्सिस पे मान लो, इधर माइक्रो एम्पियर मान लो, इधर वोल्टेज भी, और इसको कहते हैं, देखिए ये जो गिरा ये इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। रिवर्स बायसिंग में भी, रिवर्स बायसिंग में भी ब्रेकडाउन वोल्टेज को डिफाइन किया जाता है कि अप्लाइड वोल्टेज इन रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन एट विच जंक्शन ब्रेक्स एंड करंट इंक्रीजेस लीनियरली या शार्पली, देन दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको भी अधिक खींचने से एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ये जंक्शन टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा उसके बाद करंट लीनियरली इंक्रीज करने लगेगा, तो देन दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, एक हो गया नी वोल्टेज। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होता है बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसे याद रखने का ट्रिक बता रहे, फॉरवर्ड बायसिंग में जो ऊपर साइड जा रहा है ना, तो वो रिवर्स बायसिंग में नीचे साइड जा रहा है। दिस इज कॉल्ड आवर नी वोल्टेज एंड दिस इज कॉल्ड आवर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक आज का, आज का अंतिम टॉपिक डायनेमिक रेसिस्टेंस, डायनेमिक, डायनेमिक रेसिस्टेंस आज का लास्ट टॉपिक है डायनेमिक रेसिस्टेंस। ठीक है, ये सीख जाओगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर यदि माने तो जरूर से जरूर करना। यदि एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो मदद के लिए बस उतना ही कर सकते हो कि बीच में जो एड्स आते हैं वो देख सकते हो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अकेले हम कुछ भी नहीं, आपके बिना सब कुछ है, सॉरी आपके साथ सब कुछ है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बताते हैं लास्ट टॉपिक डायनेमिक रेसिस्टेंस, और नेक्स्ट डे तो हम ये बताने वाले हैं कि फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था एलईडी के बारे लाया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा एलईडी और फोटो डायोड, दो चीज हम लोग पढ़ेंगे एलईडी और फोटो डायोड, नेक्स्ट क्लास का ये टॉपिक होने वाला है। लेकिन अभी मतलब एलईडी आपके घर में एलईडी बल्ब जल रहा होगा, आईवीओ ने आप यदि बैठे हुए हैं तो अभी आपके सामने ही कोई एलईडी बल्ब जल रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एलईडी और फोटो डायोड। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या होता है, डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या होता है। चलो पढ़ लो फिर चले जाना, ठीक है, वीडियो को छोड़ देना। ठीक है, व्हाट इज डायनेमिक रेसिस्टेंस, तो ओम्स लॉ यदि किन्हीं को पता है तो जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो ओम्स लॉ डेफिनेशन में पूछ रहे हैं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बराबर क्या, व्हाट इज ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा जो दिया गया था, व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे यदि किन्हीं को पता है तो जल्द से जल्द हमको बताने का कोशिश करेंगे। और यदि आप कमेंट कर चुके हैं अभी तक, ठीक है, तो ओम्स लॉ होता है आपका वी बराबर आई आर, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो यहां से आप लिख सकते हैं आर बराबर वी बाय आई। ठीक है, तो डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या होता है ना, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट, चेंज मतलब क्या होता है बच्चों, बदलना। ठीक है, तो चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट, ये जो रेशियो होता है इसी रेशियो को कहा जाता है डायनेमिक रेसिस्टेंस। मतलब वोल्टेज मान लीजिए शुरू में 5 था, बाद में 10 हो गया, करंट भी मान लो 10 था, 15 हो गया, कुछ भी था, तो जो चेंज इन वोल्टेज है टू द चेंज इन करंट, दिस रेशियो इज कॉल्ड डायनेमिक रेसिस्टेंस। आज का वीडियो यहीं तक था, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप हमसे बात कर सकते हैं यदि किसी भी तरह का कोई पढ़ाई से संबंधित या कोई प्रॉब्लम है आपको तो। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय।